धमकी आती थी। पंजाब पुलिस ने भी पहले राजस्थान पुलिस को बताया था ये जेल के अंदर साजिश रच रहे थे, राजस्थान पुलिस ने पूरा ध्यान नहीं दिया। ये पहले होता था, ये आज दिन देखने को नहीं मिलता था। स्कूटरी पहले दे देते तो आज इतनी आ रही है, पहले स्कूटरी देते तो ये काम होता ही नहीं। जयपुर में दिन दिहाड़े सुखदेव सिंह की हत्या मामले में पूरे समाज में आक्रोश है। हनुमानगढ़ के गोगा मेडी में उनके पैतृक घर पर पहुँचे हैं, जहाँ इनके जो सदस्य हैं परिवार के, इनके भाई हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? दलीप सिंह नाम है। दलीप जी, क्या पहले कुछ आशंका जताई थी सुखदेव सिंह? पहले ये आशंका नहीं, धमकियाँ वगैरह तो ये आती थी, ये लोरेस बिश्नोई है, ये गोदारा गैंग है, धमकी आती थी। पंजाब पुलिस ने भी पहले राजस्थान पुलिस को बताया था ये जेल के अंदर साजिश रच रहे थे, राजस्थान पुलिस ने पूरा ध्यान नहीं दिया। स्कूटरी गार्ड मांगी थी, वो स्कूटरी नहीं मिली हमारे को। सिक्योरिटी को लेकर भादरा के अंदर आंदोलन भी हुए थे? आंदोलन भी हुए काफ़ी, जयपुर में भी किए, भादरा में भी किए, काफ़ी जगह किए थे आंदोलन, स्कूटरी नहीं मिली हमारे को। सरकार की नाकामी है ये बिल्कुल। तो क्या मानते हैं, जिस तरह से आज इतनी सिक्योरिटी पुलिस महकमा आया है, क्या ये पहले? ये पहले होता था, ये आज दिन देखने को नहीं मिलता था। स्कूटरी पहले दे देते तो आज इतनी आ रही है, पहले स्कूटरी देते तो ये काम होता ही नहीं। ये सरकार की बिल्कुल नाकामी है। तो अब क्या मानते हैं, जिस तरह सरकार ने, प्रशासन ने बात की थी, वार्ता की थी, कि कुछ आप लोगों से बात की कि आपको जो कुछ नौकरी दी जाएगी या कुछ ऐसी बातें हुई, तो क्या आप सहमत हैं उन बातों से? बातों में हाँ तो भरी है यार, या तो ये नौकरी वगैरह दे देंगे नहीं, वही जयपुर है, वही जनता है, वही आंदोलन है। सरकार से यही मांग है हमारी, जो भी मांगे करिए वो पुण्य, सारी मांगे पूरी माननी है। तो आपकी लास्ट टाइम कब बात हुई थी, कब मिले थे आप उनसे? अभी मिले थे, 4-5 दिन पहले मिले। तो कुछ बात की थी उन्होंने आपसे, कुछ ऐसी आशंका जताई कि धमकी आ रही है, उनकी जान को खतरा है, ऐसा कुछ? हाँ ऐसे तो था ही, धमकियाँ आ रही पहले भी आ रही, 6 महीना पहले आ रही, 2 महीना पहले आ रही, 15 दिन पहले भी आ रही थी धमकियाँ। दोनों सरकारें अब आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, कांग्रेस भाजपा पे, भाजपा कांग्रेस पे, तो क्या मानते हैं, किसकी फेलियर मानते हैं आप? ये सरकार की नाकामी है, कांग्रेस सरकार ने जो पहले स्कूटरी दे देते तो ये काम आज होता ही नहीं। अब क्या मांग है आपकी? अब भी यही मांग है, जो भी मांगी है वो पूरी मान ली जाए सरकार से, और हमारे को सुरक्षा चाहिए पूरे परिवार को। तो आपके परिवार को भी कोई खतरा है अंतिशा, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल खतरा है, पूरे परिवार को खतरा है। तो पुलिस अधिकारियों ने कोई आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने तो दिया है कि देंगे देंगे, नहीं देंगे तो फिर वही आंदोलन वही शुरू है, मांग तो हमने की है। तो आगे की कोई समाज जो आपका है, राष्ट्रीय राजपूत कंडीशन है, कुछ आगे की रणनीति तय की जाएगी? हाँ बिल्कुल, आगे की रणनीति तैयार करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर बनाएंगे हम चुनेंगे। काफ़ी गम की पीड़ा है, क्योंकि जिस तरह से माहौल है यहाँ को, अगर ये भाई हैं जो सुखदेव सिंह के, इन्होंने कहा कि अगर जो ये पुलिस प्रशासन आज चप्पे चप्पे पर लगा हुआ है, पहले अगर सुखदेव सिंह को सुरक्षा दे दी जाती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। हालांकि इन्होंने कहा कि जो इन्होंने मांगे रखी थी, अगर मांगे मान ली जाती है तो ठीक है, नहीं तो वही इनका जो राष्ट्रीय राजपूत कंडीशन है, समाज के लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, बैठकर रणनीति तय की जाएगी और कड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि इनकी चेतावनी और जिस तरह से ये मांगे कर रहे हैं, प्रशासन पे कोई असर होता है, सरकार पर कोई असर होता है। हालांकि सरकारें दोनों ही आरोप प्रत्यारोप कर रही है, लेकिन अब क्या फ़ायदा, क्योंकि जो सुखदेव सिंह कुछ दिन पहले सभी बीच में थे, आज इस दुनिया में नहीं रहे। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, हनुमानगढ़, गोगा मेडी।